नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। गाइस, आप लोगों ने न्यूज़ में दो दिन से साइक्लोन अम्फन के बारे में सुना है, और गाइस ये हमारे जीएस थर्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पेपर के लिए, मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे मेंस के पेपर में वही टॉपिक्स आते हैं जो टॉपिक्स न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये साइक्लोन अम्फन कहा गया है कि साइक्लोन नरगिस, जो कि म्यांमार में 2008 में हुआ था, उस साइक्लोन नरगिस से भी ज़्यादा सुपर साइक्लोन स्टॉर्म डिजास्ट्रस है। गाइस, साइक्लोन अम्फन मेंस और प्रीलिम्स के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर में आएगा साइक्लोन अम्फन क्या है, क्या करेक्टरिस्टिक है, कहाँ अकर हुआ, और मेंस के पेपर में आएगा कि कैसे एनडीआरएफ और उड़ीसा रैपिड एक्शन टास्क फोर्स ने काम किया, और अगर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते उड़ीसा या बंगाल के, तो आप इस सिचुएशन को कैसे कोप अप करते। तो ऐसा क्वेश्चन हमारे मेंस के पेपर में आ जाता है। तो गाइस, अब डिस्कस करते हैं साइक्लोन अम्फन पर। साइक्लोन अम्फन डिस्कस करने से पहले प्लीज़ गाइस, इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर अपने फ्रेंड्स को कीजिएगा। थैंक यू। सो साइक्लोन अम्फन की बात करें तो गाइस, साइक्लोन अम्फन सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म अम्फन है। अम्फन नाम है इसका। ये नाम क्यों पड़ता है किसी प्लेस पर, या फिर इसके अलावा कोई रिवर हो गया, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर नाम पड़ते हैं। पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसके कारण वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, और अब तो बांग्लादेश में भी डैमेज है। गाइस, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा एज वेल एज आपका बंगाल में कलकत्ता, हुगली, हावड़ा, 24 परगना, ये काफ़ी साइक्लोन से ये एरियाज अफेक्टेड हैं। और गाइस, अब आपको इस अम्फन की बात की जाए तो ये जो साइक्लोन अम्फन है, ये श्रीलंका के ईस्टर्न पार्ट से निकलते हुए ये ओरिजिनेट हुआ उड़ीसा वेस्ट बंगाल में, और इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल में काफ़ी तबाही हुई है। 5 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में लोग इवैक्यूएटेड किए गए हैं। सीएम ममता बनर्जी ने ये भी अनाउंस किया है कि 2.5 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। और गाइस, अगर अब हम कंपनसेशन की बात करें तो अभी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह और इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी, इन्होंने मीटिंग की है, और ममता बनर्जी ने कहा है कि साइक्लोन अम्फन को नाम दिया जाए नेशनल डिजास्टर का। और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ रुपया रिलीफ दिया है साइक्लोन अम्फन के लिए, क्योंकि साइक्लोन अम्फन से 5,000 हेक्टेयर वेजिटेबल खराब हो गया, 6,000 हेक्टेयर मैंगो और लीची खराब हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, और इसी के साथ साथ सीएम है वेस्ट बंगाल की, इन्होंने 2 लाख रुपया रिलीफ फंड के लिए 2 लाख रुपया कंपनसेशन दिया है, ठीक है। और अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से सिचुएशन को कोप अप किया जाएगा, तो जो उड़ीसा डिज़ास्टर रैपिड एक्शन है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आता है, उड़ीसा डिज़ास्टर रैपिड एक्शन फोर्स और एनडीआरएफ, इन्होंने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में प्री पोजिशन किया है। गाइस, अब एनडीआरएफ के कलर कोडिंग भी है, जैसे ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। अब ग्रीन की बात करें तो ये प्री मानसूनल को दिखाता है, येलो की बात करें तो ये प्री साइक्लोनिक दिखाता है, ठीक है, ऑरेंज की बात करें तो साइक्लोनिक एक्टिविटी, और रेड की बात करें तो पोस्ट साइक्लोनिक एक्टिविटी के बारे में बताता है। दिस इज़ व्हाट द कलर कोडिंग गिवन बाय द एनडीआरएफ। ओके, तो ये चीज़ें आप अपने मेंस की आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, और गाइस आपके पेपर में आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मेंस के पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। रिसेंटली इन मई 2020 अमिड ऑफ कोविड 19,
साइक्लोन अम्फन इज वेरी डिजास्ट्रस इन उड़ीसा एज वेल एज वेस्ट बंगाल. सजेस्ट द मेजरमेंट विच इज टेकन बाय द NDRF एंड उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स. ओके, तो अब आपको इसमें सजेशन देना है NDRF ने क्या किया. तो आप कलर कोडिंग का बता सकते हैं, आप ये बता सकते हैं कि 5 लाख लोगों को कैसे इवैक्यूएटेड किया है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है और इसी के साथ साथ उनको उनका हैबिटेशन चेंज किया जा रहा है. ठीक है, पहले तो इवैक्यूएशन और इमरजेंसी फर्स्ट एड देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है. तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है. तो आप मेंस आंसर राइटिंग इस तरीके से प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच.